कैसे हैं, कितने के मिले, कैसे मिले और क्यों हमने वोट डलवाए, वो भी आपको बताते हैं। अपना सेदू ते अज आप जा रहे हैं शू दी बाइक दे टायर चेंज कराने का। एक किलोमीटर जावे उत्थे अपना जवीर भाई दी कोल हैगा बंदा ते जाके नवे शूज पवाने हैं। वी आर लीविंग उत्थे जाके मिलते हैं। शू जी और आप सोच रहे होंगे कि हम एक साथ क्यों नहीं आए। एक साथ ना आने का रीज़न ये है कि अभी टू व्हीलर के साथ कुछ चीज़ चल रहा है मेरा और इसलिए मैं फिर गाड़ी में हूँ। हाँ जी, तो पहुँच गए हम आप जावेद भाई की दुकान पर ही शॉप जावेद बाइक पॉइंट यहाँ पे दो शोरूम मिल गए। ये भाई चल चलो जी। तो अभी की कंडीशन यही है, तो आपको लग जाएगी ठीक है पर है और फ्रंट टायर का ऐसा सीन है तो सारे रिश्ते हैं। तो ये जो है वजन ये भी टूटा हुआ है, पीछे वाला जो टप्पा है यानी कि ये भी हमने दुनिया मार मार कर दिया खराब। ये भी पीछे जब हम भी दिमाग से तो ये लगता था हम ये बड़ा टापा निकालेंगे, इसको डालेंगे नया और लाइट भी। मेरे भाई शूज गंदे हो जाते हैं तो उसका है जुगाड़ ये गियर पैडल पर ये लगाओ उसके बाद निशान मुक्त हो जाओ। आज बस आज पूरी फिटिंग आई पूरी टिप टॉप क्वालिटी की देख रहे हो। क्या कर रहे हो, पत्ती सेट कर रहा है भाई, एक पत्ती नहीं आ रही। अब आ गई है भाई जैसी गाड़ी, भाई बोल रहे हैं टूटा हुआ वाइजर। क्या करते हो, ये क्या है, ये चुराया हुआ कपड़ा करते, ये चोरी करता देखो कपड़े। अगर जिसकी भी बाइक में से कपड़े चोरी हो रहे तो उसका एग्जाम उसके तो इसका क्या करना है, कहानी जरूरी है बट्टू होने चाहिए। ये ना हमने जान के रखा हुआ, हम ठीक नहीं करा रहे, बहुत सालों का है, पता क्यों नहीं करा रहे नहीं बताएंगे। नज़र बट्टू जरूरी है समझे, तो कुछ ना कुछ रखो वैसे। प्रॉपर बैठ गया अभी बगैर नटों के, नटों के बाद पूरी सेफ्टी लग गया भाई। ज़बरदस्त तरीके से कोई कमी पेशी आ रही हो, बोलो कमी पेशी आएगी सच्ची। अरे भाई निकाल रहे हैं एक्सेल, अब इसमें मैं एम्प्टी ये रहे हमारे टायर दोनों, ये रियर व्हील ये फ्रंट व्हील नेक्स्ट और फिर से दूसरे वाले ब्लॉक में लेके जाएंगे फिर कराएंगे फिट। देखते हैं अभी आपको दिखाएंगे टायर नए कैसे हैं, कितने के मिले, कैसे मिले और क्यों हमने वोट डलवाए, वो भी आपको बताते हैं। सेक्टर इंडस्ट्रीज में यहाँ से हम टायर लेंगे, यहाँ पे आप लद्दाख के भी ले सकते हो, अलॉयज भी मिलते हैं, बाकी यहीं पे अपने टायर गए हैं अलॉय पुराने और यहीं से नए लगा के हम वापस आएंगे। बोलो मुबारक, वही काम तो रखा ना देखो। नहीं नहीं सही है, करा और तुमने चूज किया मेरे मैडम जयपुर 120 नंबर पहले मैं लाने वाला था, 150 नंबर 170 18 परम दादे उन्होंने 120 नंबर और आगे नंबर पहले बच्चे 120 नंबर डाला हमने फ्रंट व्यू। तो
300 की लंबी। ये 150 नंबर टायर था, अभी फिलहाल इसकी कंडीशन ठीक है जैसे कि आप देख पा रहे हो, तो इसको मैंने रख लिया है। और इसको हम रख लेते हैं, अब कभी काम ही आएगा जिंदगी में। अगर किसी को चाहिए 150 नंबर टायर, ब्रिजस्टोन है हमारे पास, 150 नंबर चाहिए हो तो DM करो, ले जाओ। तो फ्रंट में नया टायर बनाया फिट, अभी रेयर भी पड़ा है ये। अच्छा जी, तो भाई ने चेक कराया यहाँ पे डिस्क फिट करते हुए, तो यू कैन सी द डिफरेंस। ये है नया वाला, ये देखो कितना है, और वो है पुराना वाला। तो साथ ही आ गए हैं, देखो हालत। वही हम पानी से भी लगा सकते हैं, ब्रेकर अंदर का लंबा पानी से। कौन सा ब्रेकर लाएंगे आप? .4 ऊपर वाला भी खोलना है। ओके, खोलेंगे आगे, देखेंगे ऑयल कितना है इसमें। वॉश कराते हो यहाँ भी, वॉश कराया करो, सब कुछ खुलवा के डिसमेंटल कराया करो बाइक पूरी। करवाएंगे वो कुछ भी नहीं कैसा लग रहा है आपको नया टायर? मज़ा आ रहा है इतने छोटे टायर देख, इतने छोटे टायर देखने का मज़ा आ रहा है। पहले यहाँ पे 150 नंबर टायर और अब है 130, जिसके लिए सबसे बड़ा ही बाइक को भी थोड़ी सांस आई। अब बाइक बोलेगी भाई ये क्या कर दिया, इतने छोटे शूज की आदत नहीं है ना। ये D4 .4 है ना, लाओ लॉक के .4 चलता है जी, 50 रुपये का बहुत। नीचे भी कर रही है जावे भाई, क्या कर रही है? ठीक है भाई, ठीक कर रही है भाई। मैं क्या करूँ, मैं लगा दो ऊपर से। मुझे उसके 1000 रुपये से लेंगे पानी मारने के। ना वो ब्रेक पायर लग गया ना, वो खेलता था। तो अभी हम आगे थे इस बाइक की, बाइक में टायर वगैरह डला के, दो फ्रंट व्हील का और रियर व्हील का भी, और ब्रेक का काम किया हमने, डिस्क के ब्रेक शू खत्म हुए हुए थे, प्लस इसका जो है सिलेंडर में जो ऑयल वो भी हमने सेट करा लिया, वो आपको मैंने दिखाई दिया है। तो अब हम पहुँच गए, आपको मैं दिखाता हूँ टायर की कंडीशन क्या है। तो ये देखो बहुत अच्छे ये टायर हमें मिले हैं, सब MRF जेपर। और ये हमने क्यों लिया है, क्योंकि पहले हमने इस पर 150 नंबर डलाया हुआ था, और उस टाइम हम थोड़ा सा अलग तरीके से बाइक यूज़ करते थे। अभी ये बाइक हमने यूज़ करनी है सिर्फ घर पे और नॉर्मल यूज, सिटी यूज़ के लिए। ये नया डला था, ये ब्रेक हम आपको मार, मतलब ये ब्रेक है हमारी, अब पहले दुखी हुई थी आपको दिखा दिया था घर का बंद, और ये मास्टर सिलेंडर ठीक कराया था हमने, और हमने जो है ये डिस्क ब्रेक का, ये जो मैकेनिज्म होता है, ये बैग ब्रेक का, ये साफ करवाया बिल्कुल पूरे अच्छे तरीके से। इसमें जो ब्रेक ऑयल है वो जम जाता होता है, और ये वाइजर डलाया था, ये भी टूट गया था हमारा, और हेड का भी थोड़ा काम कराने वाला है, वो हम बाद में कराएंगे। बाकी यही था कि ये घर पे हो रही है यूज़, तो सही है अभी के लिए इतना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, अगर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, नई बाइक के साथ या नई गाड़ी के साथ। चलो जी, बाय बाय, सब बताया, शुक्रिया।